मैं अयोध्या गया था। वहाँ की धरती में एक अजीब सा मर्यादित एटीट्यूड है, नज़रिया है। मैं मथुरा गया था, मथुरा की तो बात ही मत पूछिए भाई। मथुरा में अजीब भक्ति की भावनाएं और अजीब सा कीर्तन संकीर्तन की वो ध्वनि, वो स्वर, वो मधुरम अधरम सब कुछ हवाओं में घुला हुआ था। और मैं देवभूमि गया था, देवभूमि उत्तराखंड में, तो वहाँ अजीब सी शांति थी, अजीब सा प्रेम था, वहाँ की प्रकृति में अजीब सी शांति और अपनापन था। मैं आगरा गया था, वहाँ पर अजीब सी इश्कियत थी, वहाँ की गलियों में, वहाँ की सड़कों पर अजीब सी इश्कियत थी। तो भाई आप कहीं भी जाएंगे, अपने प्लेस की एक अपनी वाइब्रेशन होती है और वो होती है पॉजिटिव वाइब्रेशन। उस पॉजिटिव वाइब्रेशन को समझने के लिए हमें पॉजिटिव सोच रखनी होगी। तो पॉजिटिव सोचते रहिए और पॉजिटिव विचारों के साथ यूं ही गोता लगाते रहिए। कभी आइए मथुरा, गाया जाए भजन। कभी आइए इस्कॉन टेम्पल, गाया जाए भजन। अजीब सा घंटियों की ध्वनि, कभी भक्ति की लहरी, कभी रस, कभी प्रेम। प्रेम मंदिर की तरफ आएंगे तो अजीब सा प्रेम आपको दिखेगा वहाँ की रज रज में। विचार करिए और देखिए, हर प्लेस की अपनी पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। उस आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने के लिए हमें आध्यात्मिक विचारों को और अपने पॉजिटिव वाइब्रेशन को बनाए रखना होगा।